बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बता दें, जहां पर एनआईए से पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला है कि हाँ, अतीक और अशरफ की हत्या में जिस जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था उसे गोल्डी बराड़ ने 2021 में अमेरिका से गोगी गैंग को यूपी में किसी और को मारने के लिए भेजी थी। और उन्हीं दोनों जिगाना पिस्तौल से अतीक और अशरफ की हत्या भी की गई, इस बात को कबूल कर लिया है लॉरेंस बिश्नोई ने। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को कबूला है कि जिस जिगाना पिस्तौल से अतीक अशरफ की हत्या की गई थी वो उसी ने सप्लाई की थी। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2021 में यूएस से मंगाई गई थी ये जिगाना पिस्तौल। इसके पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि जितेंद्र गोगी को ये पिस्तौल दी गई थी और पहले प्लान इस बात का भी था कि टिल्लू ताजपुरिया की भी इसी पिस्तौल से हत्या की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी जुड़ गए हैं। आनंद, क्या अपडेट है? देखिए, मैं पहले एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए को अंकिता जो कबूलनामा दिया उसमें उसने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अतीक अहमद के जो शूटर थे उन्हें हथियार लॉरेंस बिश्नोई ने प्रोवाइड कराए थे। दरअसल एजेंसी को यह शक है कि जो 2021 में अमेरिका से जो जिगाना पिस्टल लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के जरिए जो गोगी गैंग को मुहैया कराई थी, दरअसल अब एजेंसी को शक ये हो रहा है कि क्या उसी पिस्टल का इस्तेमाल जो सनी नाम का एक शूटर था जिसने अतीक और अशरफ के ऊपर गोली चलाई थी, जो दिल्ली आके गोगी गैंग से जिगाना पिस्टल ले गया था, क्या ये वही जिगाना पिस्टल थी? इस एंगल पर पुलिस की जांच अंकिता बिल्कुल जारी है, लेकिन एनआईए के कबूलनामे में लॉरेंस ने अतीक अहमद को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया है, ना ही इसकी कोई लिंक अभी तक सामने आ रहा है। केवल 2021 में एक जिगाना पिस्टल जरूर लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के जरिए गोगी गैंग के लिए मंगाई थी और उस जिगाना पिस्टल का क्या इस्तेमाल हुआ हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो सनी नाम का शूटर था वो बकायदा दिल्ली में आया था और उसने एक जिगाना पिस्टल गोल्डी गैंग से ली थी। ये बहुत बड़ा कबूलनामा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया और अब ये देखने वाली बात होगी कि और पूछताछ में क्या कुछ बड़े राज उगलता है लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन देखिए, एनआईए सूत्रों के मुताबिक देश के नए जॉन यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने बड़ा पर्दाफाश किया है। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर ने जो कबूल किया है, न्यूज 18 इंडिया के पास उसकी पूरी की पूरी जानकारी है। चले आइए आपको दिखाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा जिसमें उसके टारगेट नंबर 1 से लेकर अतीक अशरफ मर्डर कनेक्शन भी शामिल है। साथ ही इतना ही नहीं, देखिए मूसे वाला मर्डर पर भी उसने बड़ा पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ जानकारी उसने दी है। सबसे पहले बात लॉरेंस से हुई, जहां पर एनआईए की पूछताछ में अतीक और अशरफ मर्डर कनेक्शन निकलकर सामने आया है, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। असल में लॉरेंस ने 2021 में अमेरिका से जिगाना पिस्तौल मंगवाई थी गोल्डी बराड़ के जरिए। लॉरेंस ने भारत में ये दोनों जिगाना पिस्तौल मंगवाई थी। इतना ही नहीं, जो दिल्ली के गैंगस्टर यानी कि जितेंद्र गोगी को दी गई थी और पुलिस को इस बात का शक है कि इसी जिगाना पिस्तौल से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी। अब बात करेंगे लॉरेंस गैंग के नंबर 1 टारगेट की। एनआईए के सामने लॉरेंस ने कबूल कर लिया है कि लॉरेंस के टॉप 10 टारगेट लिस्ट में एक्टर सलमान खान का नाम शामिल है। लॉरेंस के टॉप 10 टारगेट की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिनेता सलमान खान का नाम ही है। इतना ही नहीं, पूछताछ में लॉरेंस ने इस बात का दावा भी कर दिया कि वो हर हाल में सलमान खान को मारेगा ही मारेगा। और एनआईए से पूछताछ में लॉरेंस गैंग के मुखिया लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पनाहगाह का नाम भी बता दिया है। इसमें बाहुबली विकास सिंह का नाम सामने आया है। लॉरेंस गैंग को पनाह देने वाले बाहुबली विकास सिंह यूपी के अयोध्या का रहने वाला बताया जा रहा है। और साथ ही लॉरेंस के गुर्गे जब भी अपने टास्क को पूरा करते हैं उसके बाद वो विकास सिंह के ठिकाने पर ही ठहरते थे। और इसके साथ ही लॉरेंस ने मूसेवाला मर्डर के हवाला कनेक्शन के बारे में भी जानकारी दी है। लॉरेंस ने इस बात का दावा किया है कि मूसेवाला की हत्या के लिए उसने हवाला से पैसे लिए थे। लॉरेंस ने बताया कि उसने 50 लाख रुपए गोल्डी बराड़ को भिजवाए थे और साथ ही गोल्डी बराड़ को 50 लाख रुपए हवाला के जरिए दिए गए थे। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, जो टॉप 10 टारगेट है लॉरेंस बिश्नोई के उसमें सलमान खान का नाम नंबर 1 पर है। अमित का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। आनंद, एक के बाद एक अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है और अब हवाला के जरिए सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर केस है उसमें पैसा देना हो या फिर विकास सिंह जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को पनाह देता था, क्या पूरी जानकारी? जी देखिए, अभी हाल ही में एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में जिसमें इस कबूलनामे का भी जिक्र किया गया है। बकायदा इसकी कॉपी लगाई गई है, 20 पेज का ये लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा है जिसने
इसने चार बड़ी बातें की है। इसने अपना टारगेट नंबर वन सलमान खान को बताया। इसके अलावा इसने जो दूसरी बड़ी बात की है, उसने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए उसने गोल्डी बरार को हवाला के जरिए 50 करोड़ रुपए भिजवाए। तीसरी अहम बात अंकिता इसमें लिखी हुई है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए 2 करोड़ रुपए के जो हथियार थे, करीबन 25 अत्याधुनिक हथियार जिसमें AK-47 जैसी अत्याधुनिक हथियार शामिल थे, वो खुर्जा से उसने गैंगस्टर के जरिए 25 हथियार जो है वो गोल्डी बरार गैंग को मुहैया कराया, अपने गैंग को मुहैया कराया, ताकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी गैंग मिलकर। और आनंद, अभी जब और पूछताछ होगी तो देखना होगा कि क्या क्या कबूल और लॉरेंस बिश्नोई की ओर से किया जाता है। आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।